वेलकम टू मस्त डिशेज। आज हम बनाएंगे लौकी का कोफ्ता। ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है और बस बेसिक मसालों से बनाएंगे। ये सॉफ्ट बन के तैयार होता है, ये देखिए। अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ये हमने लिया है एक लौकी, इसको हम बीच से कट कर लेंगे इस तरह से। आपको जितनी ज़रूरत हो उतनी ले सकते हैं। ये हमने इतनी ले ली है लौकी, इसको हम पील कर लेंगे, छील लेंगे इस तरह से, देख सकते हैं। इसको हमने छील लिया अच्छे से, ये देखिए इसका सारा छिलका बाहर कर दिया। अब हम लेंगे ग्रेटर कद्दूकस, इसको हम इस साइड से ग्रेट करेंगे, मीडियम वाली साइड से। अभी हम इसको ग्रेट करने के लिए लौकी को दो भागों में डिवाइड कर लेंगे इस तरह से काट के, जिससे हमें ग्रेट करने में आसानी होगी। ये देखिए हमने काट लिया, अब इसको इस तरह से ग्रेट कर देंगे सारी लौकी को। आप देख सकते हैं ये हमने ग्रेट कर लिया है सारी लौकी को, देख सकते हैं हमने पूरी लौकी ग्रेट कर लिया। अब इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, इसको डाल के इसी में सारा मिक्स कर देंगे नमक लौकी में। ये आप देख सकते हैं हमने सारा नमक इसमें मिक्स कर दिया। इसको हम कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। ये देखिए पानी रिलीज करना इसने स्टार्ट कर दिया। ये नमक मिलाने से पानी सारा रिलीज़ कर देती है, जिससे हमारे पकौड़े बहुत ड्राई ड्राई से बहुत अच्छे से बन के तैयार होते हैं। देख सकते हैं ये हमने 20 मिनट के लिए रख दिया था, पानी सारा रिलीज़ कर दिया, पानी छोड़ दिया लौकी ने मैं। अब इसको हम इस तरह से करके सारा पानी निकाल लेंगे इसका। ये देखिए हाँ सारा पानी निकल रहा है, इस तरह से अच्छे से दबा दबा के इसका सारा पानी निकाल लेंगे हम लौकी का। ये देखिए अभी हमने सारा निचोड़ लिया है। अब इसको हम आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी ये जो हमने पानी निकाला है, आप चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं या फिर आप ग्रेवी में भी इसको यूज कर सकते हैं पानी को। हमने ली है लौकी, इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, ये डालेंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर, ये आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, ये 3 चम्मच बेसन इसी में हम डालेंगे। पहले हम 3 चम्मच डाल के मिक्स करके देख लेंगे, उसके बाद और हम डालेंगे। नमक हम नहीं डालेंगे क्योंकि नमक हमने पहले लौकी में डाल दिया था, बाद में ग्रेवी में डाल देंगे। इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे सारा, ये देखिए इस तरह से हम सारा मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी नहीं डालेंगे, इसी लौकी के पानी से हम बेसन इसी में मिक्स करेंगे। इसको भी हम हाथों से मिक्स करेंगे इस तरह से करके। पानी डालने से क्या हो जाता है, हमारा बैटर गीला हो जाएगा, इससे हमारी पकौड़ियाँ बनेंगी नहीं अच्छे से। इसमें भी हम डालेंगे 1 चम्मच और बेसन, ये देखिए अभी हमने 1 चम्मच और बेसन डाला है, इसको भी मिक्स करेंगे इसी में। अभी आप देख सकते हैं ये हमने सारा मिक्स कर लिया। आप इस तरह से थोड़ा सा लेके इस तरह से देख सकते हैं कि हमारे अच्छे से पकौड़े बन रहे हैं कि नहीं, ये देखिए बन रहे हैं। इससे बेसन से हमारा बाइंडिंग बहुत अच्छी आ जाती है, देखिए हमारा अच्छे से बन गया, ये परफेक्ट है हमारे लिए। टोटल हमने इसमें 4 चम्मच बेसन डाला है। आइए अभी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए फ्राई करने के लिए हमने ये ऑयल लिया है, ये अच्छे से गर्म हो गया। अब इसमें हम इस तरह से बना बना के ये इस तरह से करके बना के डालेंगे। आप चाहे तो हल्का चपटा करके भी डाल सकते हैं, जैसे ऐसे प्रेस कर दीजिए, इस तरह के भी शेप में डाल सकते हैं। ये देखिए आप, या फिर इस तरह से गोल गोल भी डाल सकते हैं बॉल के जैसे, ये देखिए इस तरह के, कोई सा भी शेप दे सकते हैं आप। अभी आप देख सकते हैं ये देखिए हमने डाल दिए सारे जो हमने पहले डाले थे, वो ब्राउन हो रहे हैं, देखिए इनको पलट देंगे इस तरह से। ये देखिए हमारे अच्छे से ब्राउन हो रहे हैं। ऐसे उलटते पलटते हुए हम इनको पका लेंगे। इनको हम धीमी आंच में पकाएंगे, जिससे ये हमारे अच्छे से अंदर से सारे पक जाएं। नहीं तो ये अगर तेज आंच में पकाएंगे तो ये ऊपर ऊपर से आप देख सकते हैं ये इस तरह से क्रिस्पी और काले हो जाएंगे, अंदर से अच्छे से नहीं पकेंगे।
तो इनका सारा टेस्ट बहुत ख़राब हो जाएगा हमारी सब्ज़ी का। ये आप देख सकते हैं हमारे अच्छे से पक चुके हैं, ये देखिए चारों तरफ से डार्क ब्राउन हो चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में, इस तरह से हम साइड में कर देंगे जिससे हमारा जितना स्ट्रॉयल है सारा इसी पैन में चला जाए। अभी चलते हैं इसकी ग्रेवी बनाने के प्रोसेस में। ये हमने ग्रेवी बनाने के लिए घी में हम बनाएंगे, घी से क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा आता है हमारे सब्जी का, इस वजह से ये हमने 2 चम्मच भर के देसी घी यूज किया है बनाने के लिए। अभी ये अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे जीरा 1 चम्मच, ये देखिए इसको अच्छे से चटकने देंगे हम। ये डालेंगे 1 हरी मिर्च कटी हुई, अभी हम इसमें डालेंगे ये प्याज बारीक कटा हुआ अपना, इसको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे हम प्याज को अपने। इसमें हमने प्याज में 2 हरी मिर्च काट दी थी, आप अगर चाहें तो यूज कर सकते हैं हरी मिर्च, नहीं तो आप रेड चिली भी यूज कर सकते हैं पाउडर। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे हम प्याज को। अभी हम प्याज को भूनते भूनते साथ में डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच भर के है, इसको भी इसी में भून लेंगे हम इस तरह से, साथ में भून जाएगा ये। अभी आप देख सकते हैं हमारा प्याज अच्छे से भून चुका है, ये देखिए ब्राउन हो चुका है। अब इसी में हम साथ में डाल देंगे 1 चम्मच बेसन, इससे हमारी ग्रेवी बहुत टेस्टी बनती है, थोड़ा सा सौंधापन आ जाता है ग्रेवी में, इसको भी इसी में भून लेंगे हम 2 मिनट के लिए। ये भी हमारा बेसन अच्छे से भून चुका है, अब इसमें ऐड करेंगे हम कुछ मसाले। ये थोड़ी सी हल्दी है 2 पिंच, और इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच भर के, डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच सॉल्ट, सॉल्ट आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसको डाल के हम सारा मिक्स कर देंगे इसी में, ये देखिए हम इसमें डालेंगे अपने टमाटर क्योंकि हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। ये हमने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए, ग्रेट करके ये देखिए इसको मसाले को टमाटर को हम अच्छे से भून लेंगे जब तक ये हमारा ऑयल रिलीज ना कर दे। अभी आप देख सकते हैं टमाटर ने हमारा ऑयल रिलीज कर दिया, ये अच्छे से भून चुका है टमाटर हमारे, और आप कलर भी देख सकते हैं कितना प्यारा है टमाटरों की वजह से। अब इसमें हम डालेंगे ग्रेवी बनाने के लिए पानी, ये हमने पानी कम से कम 2 कप यूज किया है। अभी हमें ग्रेवी थोड़ा सा थिक लग रही है तो थोड़ा सा पानी और डालेंगे हम इसी में, ये देखिए हमारी ग्रेवी के लिए पानी बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि अभी हम इसमें जो वो बॉल्स बना के रखे हैं वो जब डालेंगे तो वो पानी अभी सोक करेंगे, इस वजह से पानी में थोड़ा ग्रेवी के लिए ज़्यादा चाहिए, बाद में वो सोक करने के बाद परफेक्ट पानी बिल्कुल ग्रेवी अच्छे से बन के तैयार हो जाती है, ये देखिए। और हाँ, हमने एक बात बताने के लिए आप लोगों के लिए भूल गए थे, हमने 2 पिंच हींग भी डाली है, इससे हमारी सब्जी का टेस्ट और फ्लेवर दोनों बहुत ही अच्छे आते हैं। अभी इसको हम ढक के 1 बॉयल आने तक अच्छे से ग्रेवी को हम पका लेंगे। हमारे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम खोल के देखेंगे, ये देखिए हमारे इसमें कितने अच्छे से बॉयल आ रहा है। अब इसमें अपने बॉल्स डाल देंगे जो हमने बना के रखे थे इस तरह से, इनको चला देंगे, चला के 2 से 3 मिनट के लिए, कम से कम 3 मिनट के लिए हम इसको ढक के फिर से पका लेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, अभी हम इसको फिर से खोलेंगे, ये देखिए बढ़िया सी ग्रेवी और हमारे पकौड़े अच्छे से बन के तैयार हो चुके हैं हमारी सब्जी, ये देखिए। अभी गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, ये देखिए
इसको बस 10 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के छोड़ देंगे हम। 10 मिनट हो चुके हैं, हम इसको खोलेंगे। ये देखें बढ़िया से बन के तैयार हो चुके हैं। अब इसे हम सर्व कर लेंगे इस तरह से। ये भी आप देख सकते हैं, ये हमने सर्व करके रख लिया है। ये देखिए बढ़िया से हमारी सब्जी बन के तैयार हुई है और बहुत बेसिक चीज़ों से बनाई है हमने, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। अगर पसंद आए तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा। बाय गाइस, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।